नमस्ते, नरेंकुलम एयूपी स्कूल के सभी अध्यापक बंधुओं एवं मेरे छोटे नन्हे से बच्चों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम एवं प्यार। हिंदी दिवस के सिलसिले में आयोजित हिंदी दिवस के कार्यक्रम में चंद बातें आपसे करना मैं चाहती हूँ। हिंदी दिवस क्या है, क्यों मनाते हैं, हिंदी भाषा का महत्व क्या है, इन सब के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करने में मुझे बहुत खुशी है। बच्चे, हम शुरू करेंगे। भारतीय संविधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 से उसे लागू भी किया गया था। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि उसके भी पहले 14 सितंबर 1949 में भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। वाले सन्ोष हिंदी भाषे 1949 सितंबर 14 ऑफिशियल लैंग्वेज आई अंगीकर। उसी दिन को भारत भर में, पूरे भारत में हिंदी दिवस का आयोजन हम करते आ रहे हैं। कहां कहां करते हैं? पूरे संस्थाओं में, चाहे वो केंद्र सरकार के ही हो या राज्य सरकार के, सभी संस्थाओं में, सभी कार्यालयों में, सभी शैक्षिक संस्थाओं में, हर कहीं इस कार्यक्रम का आयोजन हम करते हैं। तो हिंदी भाषा माने क्या है, या हिंदी भाषा क्या भारत भर में हिंदी भाषा ही है? नहीं। क्या हिंदी भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा मानते हैं? नहीं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे 22 भाषाओं को पूरी तरह अपनाया गया है, स्वीकार किया गया है। 22 भाषाएं, वे कौन कौन सी हैं? 22 भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। तो 22 भाषाएं ही हैं? नहीं, बहुत सारी अन्य बोलियां और भाषाएं, छोटी छोटी जगहों में बोली जाने वाली भाषाएं और भी है, लेकिन संविधान के द्वारा, संविधान इसे स्वीकार नहीं किया गया है। तो इन भाषाओं में से हिंदी को ही राजभाषा का पद दिया गया है और हिंदी पूरे भारत के संपर्क भाषा के रूप में भी हम मानते हैं। संपर्क भाषा माने क्या है? लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज का मतलब है कि पूरे भारत को एक साथ जोड़ने में जिस भाषा को सहायता के रूप में हम लेते हैं, उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। और अब ये भाषा क्यों है? भाषा के बिना क्या हम जी नहीं सकते? तो इसका उत्तर है, जी नहीं सकते, अर्थात मनुष्य के रूप में हम जी नहीं सकते। भाषा बहुत जरूरी है बच्चे। जिस प्रकार भाषा के बिना, हम कहते हैं ना, सूरदास ने कहा है, मूकम करोति वाचालम्। तो
हमें कुछ बातें बताने के लिए, हमारे अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा बहुत जरूरी है। तो भाषा क्या है? एक संप्रेषण का माध्यम भी है भाषा। संप्रेषित करना, कुछ बातें दूसरों को बता देना। तो कैसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अच्छी तरह सोच विचार करके भाषा का प्रयोग करना है, ताकि भाषा हमेशा जिंदा रह सके। तो भाषा को जिंदा रखना हमारा फर्ज है। भाषा संस्कृति के संरक्षण के लिए और संस्कृति के संवहन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भाषा നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും, ഭാഷ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, സംവാഹിക, അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കാൻ ഭാഷ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ്, വളരെയധികം വേണ്ടതുമാണ്. ഭാഷയില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. तो इस भाषाओं, इन भाषाओं में हिंदी को ही हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी पूरे विश्व भर में बोली, समझी और पढ़ी लिखी जाती है। നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹിന്ദി ഭാരതത്തിൽ മാത്രമാണ്, അല്ല, പൂരെ വിശ്വ ഭർ മേ, ജൈസെ ജാപ്പാൻ, അമേരിക്ക, मॉरिशस, ऐसे अन्य बहुत सारे जगहों में हिंदी का उपयोग या हिंदी का प्रयोग चलते हैं। इवड़े एल्ला स्थलत्तुम हिंदी साहित्यकारन्मारुंड, अवड़े तामसिच्च इत्रेयुम कालम जीविच्च अवड़े तन्ने इरुन्न भारतत्तिन्टे भाष भारतत्तिन्टे വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയായ ഹിന്ദിയിൽ സാഹിത്യരചന നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രവാസി ഹിന്ദി സാഹിത്യകാർ എന്നാണ്. അവരുടെ സാഹിത്യത്തെ നമ്മൾ പറയുക പ്രവാസി സാഹിത്യ, ഡയസ്പോറിക് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയെ ഇങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് അത്രയും വിശാലമായ ഒരു ഫലകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനമാണ്. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ജനുവരി 10-ാം തീയതി വിശ്വ ഹിന്ദി ദിവസ് കേ രൂപ മേ ഭി ഹം മനാതേ ഹേ. നിങ്ങൾ ഇനി ജനുവരി 10-ന് വിശ്വ ഹിന്ദി ദിവസ് മനാനാ ഹേ ആപ്കോ. ക്യോ? ക്യോക്കി ഉസി ദിൻ 1975 മേ ജനുവരി 10-ാം तारीख को ही नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अब आ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നമ്മൾ ജനുവരി 10-ന് വിശ്വ ഹിന്ദി ദിവസ് മനാതെ ഹേ. ഇനി ഹിന്ദി എന്താ പറയുക, കേരളത്തിലും മറ്റും ഹിന്ദിയുടെ പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? കേരളത്തിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഹിന്ദിയിലെ വലിയ പഠനങ്ങളും വലിയ കോഴ്സുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ കുട്ടികളായാൽ ഹിന്ദി ഒരു മുഖ്യ വിഷയമായി എടുത്ത് ഡിഗ്രി, PG, PhD എല്ലാം ചെയ്ത് വലിയ എന്താ പറയുക കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പ്രൊഫസർമാരാവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങളെ ആശംസിക്കുന്നു. ആപ് സബ്കോ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മേ ആനേ കെ ലിയേ മേരാ പ്യാർ ഭരാ നിമന്ത്രണ ഭി മേ ഇസി സന്ദർഭ മേ ഭേജ്തി ഹൂ ഓർ साथ ही आप सबको देखने का भी मुझे बहुत मन कर रहा है बच्चे, और आपकी अनुपस्थिति माने आपकी जो अनुपस्थिति मेरे सामने आप नहीं है,
फिर भी आप मेरे सामने हैं इसी अंदाज के साथ प्यार भरा नमस्कार एवं धन्यवाद, खासकर विद्या को मेरा प्यार एवं धन्यवाद अदा करती हुई मैं अपना शब्द समेट लेती हूँ। धन्यवाद।